हेलो दोस्तों, आज हम क्लास नंबर 60 के अंदर आ चुके हैं, जिसमें हम आपके लिए एक मैथ के फंक्शन के द्वारा हम क्या सिखाना चाहते हैं कि आपके पास बहुत सारी वैल्यू होंगी और उसमें से वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू को फाइंड किया जाएगा। क्लियर पॉइंट क्या किया जाएगा? रिटर्न द लोवेस्ट वैल्यू। लोवेस्ट मतलब होता है छोटी वैल्यू। क्लियर पॉइंट, ठीक है। तो आज हम प्रोग्राम आपके सामने लेकर के आए हैं, वो प्रोग्राम कैसा है? नंबर ऑफ स्मॉल मतलब छोटी वैल्यू को, मिनिमम नंबर को फाइंड करेगा। तो आप सभी का इस क्लास में स्वागत है और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे धर्मेंद्र 91 के चैनल पर। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ऑल वाला, जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास एक्टिव होकर के नोटिफिकेशन में पहुँच जाएगा। क्लियर पॉइंट। अब सबसे पहले इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले लाइक एंड शेयर एंड कमेंट कर दीजिए फटाफट, जब हम क्लास के आगे लेके चलते हैं। फिर हम आपको सिखाते हैं जावा स्क्रिप्ट की सहायता से कि इस प्रोग्राम को किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? यहाँ पे नोटपैड की ज़रूरत पड़ेगी। तो नोटपैड हम ओपन करके पहले से ही रखे हैं यहाँ पर। क्लियर। तो आज हम आपको प्रोग्राम दिखाएंगे, वो किसका हुआ? मिनिमम नंबर का। तो ये तो अपनी हेडिंग लिखी है, हुआ तो अभी हमने आपको समझाया था। अब प्रोग्राम हमारा रन होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा? यहाँ से, हेड से, ठीक है। सबसे पहले हमने HTML लिख लिया और HTML को क्लोज कर लिया है। और नीचे जो प्रोग्राम हमारा लिखा है बॉडी के अंदर, वो हमारा येलो बैकग्राउंड कलर है। तो बैकग्राउंड कलर तो हमने सारी चीज़ें पहले से सिखा दी हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्लियर। तो अब चलते हैं, यहाँ हम आपको सिखाते हैं आगे का पॉइंट किस तरीके से कार्य करेगा ये वैल्यू के अंदर। तो सबसे पहले हमें यूज करना होगा यहाँ पे बॉडी, क्योंकि सारा प्रोग्राम्स हमारा किस में यूज होता है? सबसे पहले बॉडी के अंदर जाता है और बॉडी ही इसका मेन पार्ट होता है, किसका? HTML का, ठीक है। जो भी प्रोग्राम लिखते हैं वो बॉडी के अंदर शो करेगा। तो सबसे पहले हमने बॉडी यूज किया, बॉडी के अंदर हमने दूसरा बॉडी लिया जिसको स्लैश बटन के द्वारा बॉडी को हमने क्लोज कर लिया है। तो ऊपर वाला ओपन है, नीचे का जो बॉडी है उसको क्लोज कर लिया। जैसे HTML लिखा था ऊपर वो ओपन था और नीचे जो लिखा है आपका लास्ट में वो क्या है? आपका क्लोज HTML। अब जो हम प्रोग्राम इसके अंदर बनाएंगे, सबसे पहले वो किसका प्रोग्राम बनना है वो हमें हेडिंग में देखना पड़ेगा। बन हेडिंग बन लिखा है और हेडिंग को हम स्लैश बटन द्वारा हेडिंग को ही हम क्लोज कर लेते हैं H1 को। अब हमारा जो प्रोग्राम है वो कैसा है? जावा स्क्रिप्ट कैसा प्रोग्राम है? मैथ फंक्शन के द्वारा है, तो MTH लिख लिया। डॉट कैसा है? मिनिमम MIN मिनिमम कैसा है? नंबर ऑफ फाइंड मतलब मिनिमम नंबर को यहाँ पे हमें फाइंड करना है। तो ये हमारा प्रोग्राम है। देन उसके बाद एंटर करना है। एंटर करने के बाद हमें एक क्लास बनाना है। तो क्लास बनाने से पहले हमें प्रोग्राम को पैराग्राफ में कन्वर्ट करना होता है। तो P दे दिया, इक्वल टू ID दे दिया, इक्वल टू शिफ्ट के साथ इनवाइटेड कॉमा दिया। इनवाइटेड कॉमा के अंदर हमने क्लास कैसी ली है? डेमो नाम से क्लास क्रिएट कर ली है। तो यहाँ तक तो क्लियर समझ में आ गया होगा। अब जो P पैराग्राफ लिया है, उस P पैराग्राफ को हमें क्या करना पड़ेगा? क्लोज करना पड़ेगा स्लैश बटन द्वारा। तो लेस देन ग्रेटर देन के अंदर स्लैश बटन यूज करेंगे और P को हमने यहाँ पर क्लोज कर लिया इस क्लास को कम्प्लीट तरीके से। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे प्रोग्राम्स को चलते हैं, आगे एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम? यहाँ पे जाने के बाद एक स्क्रिप्ट फंक्शन यूज करेंगे। स्क्रिप्ट हमारा टैग यूज होगा जिसकी सहायता से, क्योंकि हम यूज कर रहे हैं जावा स्क्रिप्ट। तो जो रन प्रोग्राम होगा वो हमारा क्या करेगा? यहाँ पे स्क्रिप्ट लेस देन ग्रेटर देन के अंदर हमने स्क्रिप्ट ओपन कर लिया और एंटर करके लेस देन ग्रेटर देन अंदर हमने स्लैश बटन के द्वारा स्क्रिप्ट हमें क्या कर लिया? यहाँ पे क्लोज कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्लोज होने के बाद देन एंटर करना है। एंटर करने के बाद अब जावा स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, तो जावा स्क्रिप्ट के अंदर इसको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें आउटपुट वाला फंक्शन यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो आउटपुट के लिए हमें क्या लिखते हैं? डॉक्यूमेंट गेट, डॉट के साथ में गेट लगेगा और एलिमेंट कैसा रहेगा? यहाँ कैपिटल ELEMENT एलिमेंट, सॉरी इसको ई को कैपिटल बनाया जाएगा। तो एलिमेंट लिखा, उसके बाद कैपिटल वाई रहेगा, बी कैपिटल रहेगा, स्मॉल वाई रहेगा, आई कैपिटल रहेगा और स्मॉल डी रहेगा। उसके बाद शिफ्ट के साथ दोनों ब्रैकेट क्लोज ओपन करना है और शिफ्ट के साथ इनवाइटेड ओपन क्लोज करना है, जिसमें हम ऊपर क्या ले रहे थे? क्लास कौन सी थी हमारी? डेमो नाम से थी। तो डेमो नाम से हमने ये क्लास ली है, तो डेमो नाम से ही हमें यहाँ पर क्लोज करना पड़ेगा। कहाँ पर? आउटबल वाले फंक्शन में।
और तो जब आउटपुट यूज कर रहे हैं तो हमें किसका यूज करना पड़ता है, किससे जोड़ना पड़ती है उस फाइल को, इनर फाइल से जोड़ना पड़ती है। ठीक है, कैसी फाइल है, HTML की है, जावा स्क्रिप्ट की, तो HTML लिखना पड़ेगा। देन इसके बाद इक्वल टू लगाते हैं, इस पर देखिए इक्वल टू लगाते हैं, इन्वाइटेड कॉमा के अंदर प्लस बटन देते हैं। प्लस बटन के बाद हमें किसका यूज कर रहे हैं, मैथ फंक्शन का यूज कर रहे हैं। मैथ में कौन से वाले फंक्शन का यूज कर रहे हैं, डॉट मिनिमम MIN, तो छोटी वाली संख्या का यूज कर रहे हैं, और शिफ्ट के साथ में ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं और क्लोज, और लास्ट में इस लाइन को सेमी कॉलन द्वारा उसको फिनिश कर लेते हैं उस लाइन को। ठीक है, अब यहाँ पे हम आर्गुमेंट ऑफ लिस्ट बनाते हैं जिसके अंदर बहुत सारे क्या होगा हमारा नंबर ऑफ होंगे, तो जिसमें से छोटी संख्या वो आपका प्रोग्राम रन करके आपके सामने वैल्यू को रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बहुत सारी वैल्यू देते हैं जो छोटी बड़ी दोनों होंगी, बट आपके सामने वो शो करेगा किसको, छोटी वाली वैल्यू को। तो हम दे देते हैं जैसे 5 दिया, कॉमा 8 दिया, कॉमा 9 दिया, कॉमा 6 दिया, कॉमा 2 दिया, कॉमा 45 दिया, कॉमा 3 दिया। तो इस तरीके की हमने वैल्यू क्या कर ली, यहाँ पे शो कर ली। अब हमें नहीं पता है कि इसमें से कौन सी छोटी संख्या है, तो इस प्रोग्राम के द्वारा कैसी वैल्यू को, लोवेस्ट वैल्यू को फाइंड करके दिखाएगा। तो जो हम यहाँ पे क्या लिख के रखे हैं, यहाँ पे लिखा है हमारा इनवाइटेड कॉमा, तो इनवाइटेड कॉमा के अंदर हम क्या लिख देंगे, लोवेस्ट, तो LOWEST, लोवेस्ट क्या है, वैल्यू। तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, लोवेस्ट वैल्यू फाइंड करेगा, तो लोवेस्ट वैल्यू को यहाँ पे शो करके दिखाएगा हमें, जो वैल्यू आएगी उसके सामने लोवेस्ट वैल्यू को शो करेगा। हेलो दोस्तों, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ गई थी डेटा मेटा में, नेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आ गई थी, इसलिए डेटा प्रॉपर नहीं आ रहा था, इसलिए थोड़ी सी क्लास रोक दी गई थी। तो हम कहाँ तक पहुँच गए थे, प्रोग्राम हमारा यहाँ तक पूरा क्रिएट हो चुका था। अब इसमें हमें कैसी वैल्यू लिखना है, वो इनवाइटेड में हम लिख रहे थे लोवेस्ट वैल्यू लिखना है, तो यहाँ हमारी जो वैल्यू आएगी वो किस टाइप की वैल्यू होगी, हमारी लोवेस्ट वैल्यू होगी। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, लोवेस्ट। ठीक है, तो जो हमारी वैल्यू है किस टाइप की है, लोवेस्ट वैल्यू है, मतलब छोटी वैल्यू को शो करके दिखाया गया यहाँ पर, सबसे छोटी का। ठीक है, तो यहाँ तक तो अपने पूरा क्रिएट करके शो कर लिया था, जिसमें हमने क्या क्या शो करके रखा था, एक हेडिंग लिख लिया था, हेडिंग में हमने क्या लिखा है, सबसे पहले कि जावा स्क्रिप्ट मैथ का कौन सा फंक्शन ले रहे हैं, मिनिमम फंक्शन ले रहे हैं, जो छोटा है, सबसे छोटा। क्लास हमने बना ली है, जावा स्क्रिप्ट के अंदर हमने स्क्रिप्ट फंक्शन स्क्रिप्ट टैब को क्लोज कर लिया है। अब जो आउटपुट के साथ में वो मैंने पूरा डेटा यहाँ पे लिखा है, इक्वल टू के बाद में इनवाइटेड के अंदर क्या लिख दिया हमने, लोवेस्ट वैल्यू। ये लोवेस्ट वैल्यू इसलिए लिखा है, जब आउटपुट आएगा उसके सामने आएगा लोवेस्ट वैल्यू, मतलब छोटी वैल्यू। ठीक है, जिससे हमें समझ में आ जाएगा कि मिनिमम वैल्यू को हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। और जो फंक्शन लिखा है उसके बाद में प्लस लगाया है हमने यहाँ पे। ठीक है, तो प्लस लगाने के बाद फिर हमने मैथ फंक्शन लिखा है, डॉट कैसा फंक्शन है, मिनिमम। ठीक है, उसमें से यहाँ बहुत सारे हमने क्या ले लिए, नंबर ले लिए हैं, तो छोटा संख्या कौन सी है वो अपन को आंसर शो करके दिखाएगा यहाँ पर। ठीक है, और इसमें यहाँ पे क्या है, सेमी कॉलन लगा है, तो इस लाइन को पूरे को ये बता रहा है कि हमने जो लाइन ली है उसको पूरा फिनिश कर रहा है यहीं तक। क्लियर पॉइंट, अब इसको सेव करते हैं, फिर रन करके आपको शो करके दिखाते हैं किस तरीके से प्रोग्राम काम कर रहा है। तो यहाँ पर जाकर इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद यहाँ पर जाना है सेव एस में, तो सेव एस में जाने के बाद ये डायलॉग बॉक्स को ओपन करता है। डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के बाद ये पता चलेगा ये फाइल हमारी कहाँ पे सेव करना है, डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप खुलेगा। ठीक है, तो जहाँ पे आपका ये थोड़ा सा प्रोसेस ले रहा है, थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है क्योंकि ये कन्वर्ट करता है अपने डेटा को। अब यहाँ पे ये डेटा आ चुका है जिसको बोलते हैं आपको डायलॉग बॉक्स, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में ऊपर टॉप पे देखेगा डेस्कटॉप, वहाँ सेलेक्ट कर लेना है, फाइल का नाम कार्ड रखना है, तो फाइल का मैंने पहले से ही नाम रख लिया है डॉट HTML के साथ मैंने उसको इंक्लूड कर दिया, पहले से ही मेरा धार के नाम से बना था, डॉट उसमें किससे जोड़ लिया है HTML। जब डॉट लगाते हैं तो स्पेस नहीं देते हैं, ये ध्यान रखना है। उसके बाद सेव बटन पर क्लिक करना है, और ये फाइल बोल रहा है उसी फाइल में करना चाहते हैं तो यस कर दीजिए, तो हमारी फाइल यस करने पर हमारी उसी फाइल में सेव हो चुकी है। अब जी हमने फाइल तो बना ली, प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो चुका है मिनिमम नंबर का। अब इसको रन करके देखते हैं जो प्रोग्राम काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो कहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले किस नाम से बनाई, धार के नाम से बनाई थी, किस पे, डेस्कटॉप पे, तो ये धार के नाम से शो हो रहा है। ठीक है, इसको डबल क्लिक करने पर हमारा ये ओपन होके आ जाएगा। तो अभी यहाँ पे कनेक्टिविटी शो कर रहा होगा, देख लीजिए यहाँ पे कनेक्टिविटी शो कर रहा है, थोड़ा सा टाइम लगता है इसको रन होने में क्योंकि प्रोग्राम ब्राउज़र पे काम करता है इसलिए। ठीक है, अब आ गया, ये रन हो गया। रन होने के बाद ये आपको ऊपर का आप क्या दिख रहा है, ब्लू लाइन दिख रहा है, इस पर क्या करना है, ऊपर
अलाउ ब्लॉक्ड कंटेंट लिखा है उस पर क्लिक करना है, राइट क्लिक करके। अब ये आपका डायलॉग बॉक्स आ रहा है, वो सिक्योरिटी वार्निंग डेटा का आ रहा है, तो उसको यस कर देना है, तो जो प्रोग्राम लिखा है वो हमारा सामने वॉक करके आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो क्या दिखा रहा है, लोवेस्ट वैल्यू क्यूसी हमारी 1 है। तो वहाँ पर हमने जितने भी डेटा लिया था वो कैसा फंक्शन लिया था, हमारा बहुत सारे नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट लिए थे जिसमें से छोटी संख्या कौन सी है, 1 है, तो वही हमने यहाँ पे दिखाया है कि मिनिमम संख्या को फाइंड करेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है 1 2 3 बहुत सारे लिख लिए हैं यहाँ पे, कुछ हम यहाँ से हटा करके कुछ और दूसरा चेंज करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। जहाँ पे जैसे मैंने लिखा 88 लिख लिया, ठीक है, कॉमा मैंने 25 लिख लिया, कॉमा मैंने मान के चलो 99 लिख लिया, कॉमा मैंने 13 लिख दिया, कॉमा 102 लिख लिया, कॉमा मैंने लिखा यहाँ पे 11। अब ये बताएगा कि कौन सी संख्या छोटी है, बट हमने इसमें बनाने के बाद इसको सेव कर लेते हैं फाइल में जा करके, और सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल हमारी कंप्लीट होकर के सेव हो गई। अब वेब ब्राउज़र में जा करके इसको चेक करते हैं, अभी तो पिछला ही दिखा रहा है हमारा आंसर, इसको थोड़ा सा मैक्स मिनिमाइज़ कर लेते हैं जिससे आपको सही समझ में आ जाएगा। जैसे हमने आके विंडो को कैसा कर दिया, आकर्षित कर दिया थोड़ा सा आगे की ओर, कैमरा की ओर। अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, लोवेस्ट वैल्यू 1 दिखा रहा है। जैसे हम रन करें तो हमारा वहाँ पे लोवेस्ट वैल्यू का आंसर के हिसाब से क्या आना चाहिए, हमारा सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 11 है। अब देखते हैं यहाँ पे हमारा आंसर आता है कि नहीं, तो लोड करते हैं सबसे पहले पेज को, या F5 से कर सकते हैं डायरेक्टली, या फिर यहाँ पे आपको ये विंडो के ऊपर आपको सबसे फर्स्ट में दिख रहा है एक्सप्लोर विंडो में ये बटन, तो इस पर क्लिक करेंगे तभी हमारा यहाँ पे आंसर शो होगा। तो क्या आ गया, हमारा 11 आ रहा है, तो आंसर सही आ रहा है, बिल्कुल सही प्रॉपर। अब जैसे मान के चलो कोई और दूसरा डेटा चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हमने ये भी हटा दिया यहाँ से, ठीक है। अब हमारा आंसर क्या आना चाहिए, इस फाइल के अनुसार हमारा आंसर आना चाहिए 13, तो इसके अनुसार आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो 13 आ चुका है, बिल्कुल सही बात है। तो इसके अनुसार आपका डेटा सही आ रहा है, बिल्कुल सही। अब देखते हैं कि इसमें छोटी संख्या कौन सी है, मान के चलो 25 है, तो 25 को मैंने सेव करके देखता हूँ कि ये फाइल हमारी आ रही है या नहीं आ रही है। अभी तो 13 बता रहा है, जैसे ही हमें इस पेज को रन करके लोड करेंगे तो ये कितना दिखाएगा, 25। तो इस तरीके से समझ में आ गया होगा कि कोई भी हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने के लिए हमें किस तरीके से कार्य करना होता है। तो ऐसे ही सॉफ्टवेयर पे काम करने के लिए या टेक्निकल चीज़ें सीखने के लिए बने रहे हमारे धर्मेंद्र सर 91 के नाम से चैनल पर। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट कर दीजिए फटाफट, जिससे हमें उत्साह बढ़ता है, जिससे क्या होता है जो हम चीज़ आपके लिए प्रोग्राम्स बना कर लेकर के आ रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, हमें समझ में आता है कि आप लोगों तक ये सही समझ में आ रहा है जब हमें कमेंट करके शो करते हैं आप लोग। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक सारी वीडियो को अटेंड करते रहें 1 बाय 1 सारी एक एक करके, बहुत सारी क्लासेस हैं इसके अंदर प्लेलिस्ट में जा करके। थैंक यू वेरी मच।